हेलो फ्रेंड्स, मैं नवदीप, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बात करेंगे रेडमी नोट 7 प्रो की 3 सबसे बड़ी कमियों के बारे में। तो दोस्तों, ये वीडियो कहीं भी स्किप मत कीजिएगा। तो दोस्तों, ये बात बता रहा हूँ, किसी ने नहीं बताई, चाहे तो आप ये पूरे YouTube पर सर्च कर सकते हो। इससे पहले इस वीडियो को लाइक कर दीजिए यार, इतने गर्मी में आपको ये वीडियो बना रहा हूँ यार, लाइक कर दो यार। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और साथ में जो बेल आइकन है उसको प्रेस कर दीजिए, ताकि इसी तरह का वीडियो हमेशा आपको मिल सके। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले आपको बता देते, यह फोन ऑफलाइन या ऑनलाइन में 13,990 रुपये में आपको मिल जाएगा। तो सबसे पहले आपको बता दे रहा हूँ। तो दोस्तों, चलते हैं इसकी कमी के बारे में। तो सबसे पहले कमी है जो इस फोन का डिस्प्ले है। तो दोस्तों, इस Redmi Note 7 Pro में 6.3 इंच का फुल HD+ LTPI डिस्प्ले दिया है, जो कि उसी कीमत में Samsung M30 में सुपर एमोलेड डिस्प्ले देगा, जो कि Redmi Note 7 Pro से ज्यादा बेहतर है। अब दोस्तों, दूसरी कमी की बात करें तो इस फोन में बैटरी दूसरी कमी है। वो किस तरह की? Redmi Note 7 Pro में 4000 mAh की बैटरी दी गई है, जो कि फास्ट चार्जिंग के सपोर्ट करती है, जो कि उसी की कीमत में Samsung M30 और Samsung M20 में 5000 mAh की बैटरी दी गई है, जो कि Redmi Note 7 Pro से बहुत ज्यादा बेहतर है। दोस्तों, आपको बता दें कि Samsung M20 Redmi Note 7 Pro से बहुत ही कम प्राइस का है। दोस्तों, इस फोन की तीसरी कमी की बात करें तो इस फोन में तीसरी कमी है पूरी तरह वेजल लेस डिस्प्ले ना होना। अब दोस्तों, इस समय आजकल की स्मार्टफोन कंपनियां एक से बढ़कर एक वेजल लेस डिस्प्ले दे रही है, लेकिन Redmi Note 7 Pro में हमको कहीं भी वेजल लेस डिस्प्ले नहीं देखने को मिलता है। बस आज की इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करूँगा आज की इस वीडियो पसंद है। अगर पसंद है प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। चैनल पर नए हो तो नीचे दिए गए लाल बटन को दबाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साइड में जो बेल आइकन है उसको प्रेस कर दीजिए, ताकि इसी तरह के वीडियो में आपको मिल सके। तब तक जय हिंद, वंदे मातरम, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक बाय बाय।